मार्क्स इसका वेटेज कितना है? 25. अगर आपने प्रॉपर वे में पढ़ा 20-22 आराम से फेच होते हैं इसमें. अब देखो 5 चैप्टर है, अब इसमें से चैप्टर समझना. मेन चैप्टर कौन सा है? 3rd और 4th. यहां से काफी क्वेश्चन है क्योंकि नए इंट्रोड्यूस हुए. चलो मैं चैप्टर नंबर 1st स्टार्ट कर रहा हूं. क्या नाम है चैप्टर का? एंटरप्रेन्योरशिप. अब उसमें सबसे मेन कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स पे ध्यान देना है. सबसे पहला देखो क्या दिया है. एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी. सबसे पहला काम प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी, सेकेंड अर्निंग प्रॉफिट, और 3rd इंक्रीजिंग वेल्थ. इसके 3 मेन काम क्या क्या है? पहला देखो मनी, सेकेंड क्या बोला है मेकिंग प्रॉफिट, और 3rd वेल्थ वाइल पोजिंग कैरेक्टरिस्टिक सच एज. इसमें सबसे मेन क्या रहेगा? रिस्क टेकिंग. दूसरा मैनेजमेंट. तीसरा लीडरशिप, और चौथा इनोवेशन. समझना चैप्टर को. मैं बहुत अगर मैं इस चैप्टर की बात करूंगा तो ये वर्ड क्या है? एंटरप्रेनर. अगर तुम क्लासेस को देखोगे तो क्लासेस को ओनर कौन है? राज सर. रिस्क किसका है? राज सर. मैनेजमेंट? राज सर. 3rd लीडरशिप? इनोवेशन कुछ नया करना है. हमें कोई मतलब है क्या? हम प्रॉफिट सेंटर के पार्ट हैं कि कॉस्ट सेंटर के? प्रॉफिट. एक बच्चा भी आया तो मेरे को फीस मिलेगी, लाइट बिल, क्लासेस का रेंट, सारा टेंशन किसको है? राज सर को. तो वो क्या कहलाएंगे? एंटरप्रेनर. क्लियर हुआ? सर ने मुझे जॉब पे रख लिया, बोले सर सारा क्लासेस का आप देखो, तो अब मैं क्या कहलाऊंगा? एंटरप्रेनर कहलाऊंगा कि मैनेजर? मैं क्या कहलाऊंगा? मैनेजर. जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो क्या कहलाता है? एंटरप्रेनर. क्लियर हुआ? रिस्क उसका, पैसा उसका, वो पर्सन क्या कहलाएगा? एंटरप्रेनर. मैं किस कैटेगरी में आऊंगा? मैनेज. मैं क्या कर रहा हूं? मैनेज. तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैनेजर. मेरा रिस्क है क्या? सैलरी का. ये सारा काम किसका है? राज सर का. क्लियर हुआ? द टर्म एंटरप्रेनरशिप इज कॉम्प्लिकेटेड टर्म एंड गिव्स वेरियस मीनिंग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. द वर्ड एंटरप्रेनर कहां से आया है? फ्रेंच ओरिजिन. इट इज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग मिडिल एजेस व्हेन द टर्म एंटरप्रेनर वॉज अप्लाइड टू मैन इन चार्ज ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चरल वर्क. भाई बहुत पहले जितने भी आर्किटेक्चर वर्क बनते थे, जो उसका चार्ज लेता था, जो पूरा कंट्रोल जिसके पास रहता था, वो बंदा क्या कहलाता था? एंटरप्रेनर. कैस्टल्स एंड फोर्टिफिकेशंस, पब्लिक बिल्डिंग, अबेज एंड कैथेड्रल्स. इट इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेनर विच मीन्स टू अंडरटेक. क्या अंडरटेक? ध्यान देना. देखो मैं कैसे चार्ट कर रहा हूं. टू अंडरटेक कितनी एक्टिविटीज? 4 एक्टिविटीज. कोई भी ऐसा बंदा जो बिजनेस कर रहा है और ये 4 एक्टिविटीज ले रहा है, तो पहला कौन सा हो गया? ध्यान देना. पहला रिस्क टेकिंग, दूसरा क्या है? मैनेजमेंट. तीसरा क्या है? लीडरशिप. और चौथा क्या है? इनोवेशन. तो बंदा क्या कहलाएगा? एंटरप्रेनर. उसने मुझे रख लिया काम करने के लिए, मैं क्या कहलाऊंगा? मैनेजर. 2-3 और बंदे रख लिए काम करने के लिए, एम्प्लॉई. जिसका बिजनेस है, सारा टेंशन जिसका है, वो बंदा क्या कहलाएगा? एंटरप्रेनर. क्लियर हुआ? इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इट मींस टू अंडरटेक बिजनेस एक्टिविटी और टू सिंपली स्टार्ट अ बिजनेस. क्लियर हुआ? जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? एंटरप्रेनर. लेकिन उसके लिए मुझे कितने फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा? 4. पहला फैक्टर क्या है? रिस्क टेकिंग. दूसरा फैक्टर क्या है? मैनेजमेंट. तीसरा फैक्टर क्या है? लीडरशिप. चौथा फैक्टर क्या है? इनोवेशन. क्लियर हुआ? कोई बहुत वास्ट डेफिनेशन में नहीं जाना है, नहीं तो पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है, यही नहीं मालूम रहता. हु इज एंटरप्रेनर? कोई भी ऐसा बंदा जो बिजनेस कर रहा है. तो बिजनेस करेगा तो क्या क्या लेगा? रिस्क लेगा, मैनेजमेंट देखेगा, लीड करेगा, इनोवेशन. तो बंदा क्या कहलाएगा? एंटरप्रेनर. उसने अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए मुझे रख लिया जॉब पे, मैनेजर, और 2-3 लोग रख लिए, एम्प्लॉई. क्लियर हुआ? की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेनरशिप. सबसे पहला इनोवेशन, उसके बाद रिस्क टेकिंग, उसके बाद विजन, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स. कितने काम हो गए? 4. इन क्रक्स दीज आर वेरियस इंटरचेंजेबल मीनिंग्स ऑफ व्हाट इज एंटरप्रेनरशिप. सबसे पहला किस चीज की थ्योरी है? प्रॉफिट से मतलब रहेगा ना उसको. सेकेंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, और उससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कौन सा फंक्शन है? इनोवेटिव. इनोवेटिव मतलब समथिंग
न्यू, क्या लेना पड़ेगा इसके लिए? रिस्क। काय पे ध्यान देना पड़ेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या करेंगे, फंक्शंस। क्या लाना पड़ेगा? अवेयरनेस। काय के लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। काय के लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या जनरेट करता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंड ध्यान से सुनना, राज सर के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड, हमारे लिए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? लॉजिक समझ में आया? तो क्या अच्छा है, किसी के लिए काम करना कि खुद का? डिपेंड करता है। क्लियर हुआ ना? देखो उसने कितना अच्छा बोला, खुद का, उसका व्यू है। सीएस बन के अगर प्रैक्टिस किया तो आपका ऐसा है, खुद का ऐसा लग रहा है कि नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते, तो आप क्या करोगे? जॉब। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर की रिक्वायरमेंट क्या है? रिस्क टेकिंग। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर थर्ड, क्या लिखा है पहला वर्ड देखो, व्हाट इज ट्रेट्स। चलो फर्स्ट देखो, कौन होता है ये बंदा? डेवलप किसका? ओन्स हिज ओन एंटरप्राइज। क्या लेता है? रिस्क टेकर। और सबसे मेन, सर्टेनिटी के अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। थर्ड क्या रहेगा ये? डेविएशन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या बनना है उसे लाइफ में? इंडिपेंडेंट। भाई एंटरप्रेनर किसी के लिए काम नहीं करता ना, वो तो अपना खुद का काम है, तो क्या हो जाता है? समथिंग बेटर। व्हाट इज समथिंग बेटर? कुछ अच्छे से करना है। उसके बाद देखो, डिससेटिस्फाइड विद। आप किसी के लिए काम कर रहे थे तो डेली एक ही एक काम है, तो आप क्या करोगे जब अपना बिजनेस चालू कर दोगे? मतलब जो रूटीन एक्टिविटी से थे आप उससे बोर हो गए, तो आपने अपना बिजनेस चालू किया। नेक्स्ट देखो, हार्ड लाइफ आ सकती है क्या? क्यों? रीजन भाई, रिस्क भी किसका है? पूरा एंटरप्रेनर का, इसलिए हार्ड लाइफ आ सकती है। डिटरमाइंड बट पेशेंट, क्या मतलब हुआ? दो वर्ड्स हैं, पहला क्या बोला है? डिटरमाइंड बट, हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं है, पेशेंस वाला है क्या? डिटरमाइंड बट पेशेंस मतलब, और दूसरा बेटा, डिटरमाइंड होना मतलब करना ही है, दिस इज कॉल्ड डिटरमाइंड। कब होगा? थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा, दिस इज कॉल्ड पेशेंस। काय की क्वालिटी होना चाहिए? लीडरशिप। क्या होना चाहिए? कॉम्पिटिटिवनेस। क्या लेते हैं अपन लोगों की? रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैकडेट की फ्यूचर, फ्यूचर। फेस एडवर्सिटी, व्हाट इज एडवर्सिटी? अप्स एंड डाउन्स। क्लासेस के सेक्टर में आती है क्या? कभी भी आ सकती है, सब आपके ऊपर डिपेंड है। अगले बैच में बच्चे ही नहीं आए, रासर के लिए क्या कंडीशन क्या हो जाएगी? नॉर्मल के एडवर्स, तो उसमें उनको क्या रहना पड़ेगा? डिटरमाइंड प्लस पेशेंस। और सबसे लास्ट, कन्वर्ट अ सिचुएशन इंटू अपॉर्चुनिटी। क्या बोला है? कन्वर्ट सिचुएशन इंटू अपॉर्चुनिटी। चलो व्हाट इज सिचुएशन इंटू अपॉर्चुनिटी? क्या बता रहा है वो? एक मिनट रुक जा, हाँ उसको कुछ बता रहा था, मेरे को भी बताना। नहीं बोलो, देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया उसने। प्लास्टिक बैग्स बंद हो गए, तो जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने तुरंत क्या देखा? गनी बैग्स और ये सारी चीजें लॉन्च कर दी, तो उन्होंने उस चीज को काय में कन्वर्ट कर लिया? अपॉर्चुनिटी में। उन्होंने उस चीज को काय में कन्वर्ट कर लिया? अपॉर्चुनिटी। क्लियर हुआ? तो बंदा क्या कहलाता है? तो ये सारी क्वालिटीज होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी क्या है? आपको अपना एंटरप्राइज डेवलप करना है। सेकंड, अनसर्टेनिटी के लिए भी तैयार रहना है। इनोवेटिव होना चाहिए, डेविएशन आ सकता है। इंडिपेंडेंट, समथिंग बेटर, रूटीन से आप बोर हो जाते हो। हार्ड लाइफ, नेक्स्ट देखो क्या लिखा, डिटरमाइंड बट पेशेंट। उसके बाद क्या है? हार्ड लाइफ के लिए तैयार रहना है। लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, सेंस काय में होना चाहिए। कॉम्पिटिटिवनेस, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हमेशा वर्क काय के लिए करना है। फ्यूचर, फेस टू एडवर्सिटी। और लास्ट क्या हो गया? कन्वर्ट सिचुएशन इंटू अपॉर्चुनिटी। आप देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अब ये टॉपिक इतना वास्ट है ना, आप अलग अलग जगह देखोगे बहुत। हमें किसके हिसाब से पढ़ना है? आईसीएसआई। तो सबसे मेन क्वेश्चन जो पूछते हैं, हु इज
एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होगा, तो ये चीज कैसे जज होती है, अब देखो उसमें क्या दिया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी फेमस वर्ड अमंग बिजनेस कम्युनिटी लाइफ, बट देर आर मेनी कॉमन पीपल स्टिल कैन नॉट गेट डेफिनेशन इन मीनिंग फॉर हु इज द एंटरप्रेन्योर। वन हु अंडरटेक्स एन एंडेवर मीन्स फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। देर इज नो डेफिनेट प्रोफाइल। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कम इन वेरियस एज, किसी भी एज का हो सकता है, इनकम लेवल का हो सकता है, जेंडर एंड रेस। दे डिफर इन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, बट रिसर्च इंडिकेट्स दैट मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शेयर सर्टेन पर्सनल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग क्रिएटिविटी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, पैशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड, मतलब मैं आपको सीधा बोल रहा हूं एंटरप्रेन्योर कौन होगा ये कैसे जज करना है, कोई डेफिनेशन नहीं है। ये जज करने के लिए सबसे पहले वो बंदा क्या होना चाहिए, क्रिएटिव। व्हाट इज क्रिएटिव? एक होता है क्रिएटिव, होता है डिस्ट्रक्टिव। कौन सी फैसिलिटी होना चाहिए? न्यू। तो वो बंदा क्या कहलाएगा? क्रिएटिव। देखो क्या लिखा है, क्रिएटिविटी इज द स्पार्क दैट डिराइव्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। और अगर मान लो मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है कुछ नया करने की, तो क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं? एंटरप्रेन्योर बनने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पर्सन या मैन शुड बी अ क्रिएटिव। तो क्रिएटिव रहेगा तो कुछ नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर सकता है। सेकेंड क्या होना चाहिए उसमें? डेडिकेशन मोटिवेट्स द एंटरप्रेन्योर टू वर्क हार्ड 12 आवर्स अ डे और मोर, इवन 7 डेज अ वीक स्पेशली इन द बिगनिंग टू गेट एंडेवर ऑफ द ग्राउंड। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई? क्रिएटिविटी। सेकेंड डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब उसी चीज पे फोकस करके 12 घंटे भी काम करना है पूरा वीक में। थर्ड देखो क्या बोला है, डिटर्मिनेशन, किस चीज के लिए? अचीव सक्सेस। फोर्थ क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर मार्केट चेंज हो रहा है तो आपको अपना आइडिया भी क्या करना पड़ेगा, चेंज। एक बिजनेसमैन था, प्लास्टिक के बैग्स बना रहा था, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि नहीं? क्यों? आने वाले टाइम में देखो बैग्स बैन हो रहे हैं, तो तुरंत उसने क्या किया, नया बिजनेस चालू कर दिया है, नया कुछ क्रिएटिव आइडिया लेके आ गया। तो उसको आप क्या बोलोगे? फ्लेक्सिबल। काय की क्वालिटी होना चाहिए? लीडरशिप। रूल्स बनाएगा वो, गोल सेट करेगा। फिर पैशन। चलो व्हाट इज पैशन? पैशन और पैशन, देखो क्या लिखा है, इज व्हाट एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड एंड कीप्स देम देयर। इट गिव्स एंटरप्रेन्योर्स द एबिलिटी टू कन्विंस अदर टू बिलीव इन देयर विजन। इट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर प्लानिंग, बट इट विल हेल्प देम टू स्टे फोकस्ड एंड टू गेट अदर्स टू लुक एट देयर प्लान। एक आध एग्जाम्पल बताओ। पैशन, टीचिंग में पैशन लगता है कि नहीं? मतलब इंटरेस्ट, सबसे मेन क्या है? इंटरेस्ट। अगर मान लो मेरे में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं पढ़ा सकता हूं क्या? नेक्स्ट देखो, सबसे मेन ये हर जगह लगेगा क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू से क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिजनेस चलेगा कि नहीं? चलेगा। इसके साथ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि नहीं? क्रिएटिव होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। इसके बाद क्या बोला है? सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। फिर क्या बोला है? स्मार्ट। इसके लिए मैं एक ही वर्ड खत्म कर दूंगा जो आप हो, क्या है वो? कॉमन सेंस। व्हाट इज कॉमन सेंस? सेल्फ बुद्धि है ना, ऑप्शन दिया रहेगा, सेल्फ बुद्धि, टिक करो उसको। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, एंटरप्रेन्योर की कहीं पे भी डेफिनेशन दी है क्या? कौन सा बंदा बन सकता है, नहीं बन सकता है, काय पे डिपेंड करेगा? ये फीचर, सबसे पहला फीचर क्या है? क्रिएटिविटी। सेकंड क्या होना चाहिए? डेडिकेशन। थर्ड रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। फोर्थ रिक्वायरमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ रिक्वायरमेंट लीडरशिप, पैशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और लास्ट क्या हो गया? स्मार्ट। पॉइंट नंबर फिफ्थ पे भी लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर फिफ्थ, क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी कब आएगी? जब आपके पास क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग। आप किस चीज क्या कर सकते हो? एनालाइज प्रॉब्लम एंड सिचुएशन और एंटिसिपेट चेंजेस। मतलब मेंटल एबिलिटी कितनी चीजों से चेक होगी? तीन। पहला
एनालाइज प्रॉब्लम एंड सिचुएशन. तो प्रॉब्लम और सिचुएशन आप कब एनालाइज कर सकते हो? जब आपका माइंड क्या होगा? क्रिएटिव. उसके बाद क्या करना है? देखो नेक्स्ट, एंटिसिपेट चेंजेस. मैनेजमेंट में एक टॉपिक पढ़ा था ना, चेंज मैनेजमेंट, वो यहीं से रिलेट करता है. सेकेंड, बिजनेस सीक्रेसी, किससे छुपाना है? कॉम्पिटिटर्स. फिर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्लियर. एंटरप्रेनर को ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करना है कि नहीं? मस्ट. ह्यूमन रिलेशन कैसे मेंटेन होंगे? कम्युनिकेशन ऑब्लिक कोऑर्डिनेशन. और इसके लिए सबसे मेन एबिलिटी कम्युनिकेशन. क्लियर हुआ? ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? एंटरप्रेनर के. एंटरप्रेनर कौन हो सकता है, कौन नहीं होगा, वो ये वाले पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा. क्या क्या है वो? पहला, क्रिएटिविटी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, पैशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्मार्ट. क्या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उसमें? सबसे पहला मेंटल एबिलिटी, सेकंड बिजनेस सीक्रेसी, थर्ड क्लियर ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ह्यूमन रिलेशन, और लास्ट क्या हो गया? कम्युनिकेशन. अब सवाल आता है सबसे मेन, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों? कुछ लोग कैसे रहते हैं, सर हमें अपना काम करना है, और कुछ लोगों का व्यू क्या रहता है, हम किसी के लिए काम करेंगे. तो ये काय पे डिपेंड करता है? उसके फैक्टर्स. पहला काम, डूइंग व्हाट यू लव. इफ एन एंटरप्रेनर इज गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस, इट इज अश्योर्ड ही विल गेट बेटर ऑड्स टू सक्सीड इफ ही इज डूइंग समथिंग ही लव्स, बिकॉज पैशन इज द फ्यूल दैट इज नीडेड टू फेस ऑल ऑब्स्टेकल. अगर मैं आज आप लोगों से पूछूं कि मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, सजेस्ट करो, तो क्या सजेस्ट करोगे? क्लासेस इंडस्ट्री, इससे इन्हें रिलेटेड. क्यों? ये मेरा पैशन है, और पहला मुझे इसी काम करने में मजा आता है. तो इसको क्या बोला जाता है? डूइंग व्हाट यू लव. डूइंग व्हाट यू लव. क्लियर हुआ? लॉजिक समझ में आया? शेखर कपूर का नाम सुना? शेखर कपूर, अरे बाप रे, उसका नाम ही नहीं सुना तो बात ही खत्म. चलो नेक्स्ट, इसी को तो कॉमन सेंस बोलते हैं. जिस चीज के बारे में मालूम नहीं, अभी दो घंटे ढाई घंटे में अपन टाइम काहे के लिए वेस्ट करेंगे? समझ में? अगर मैं ये बताने लगूंगा जिसके बारे में आपको ABCD भी नहीं मालूम, चलेगा क्या? चलो नेक्स्ट, क्या बोला है? इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम. इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम. चलो व्हाट इज इंडिपेंडेंस? कभी भी आओ कभी भी जाओ, है ना? हाँ, व्हाट इज इंडिपेंडेंस? क्या और दूसरा? बॉस, कैसा ऑप्शन नहीं आएगा ना एग्जाम में? इंडिपेंडेंस मतलब हम किसी के ऊपर क्या नहीं है? डिपेंड नहीं है. हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. तो ये क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम. मैं अभी सोच रहा हूं कि यार बैच ऑफ कर दो, नींद आ रही, कर सकता हूं क्या? नहीं. किसने बोला? मेरे को जाके राज सर से पूछना पड़ेगा, सर बैच को ऑफ दूं क्या? राज सर को अगर ऑफ करना नहीं, चलो सब आज छुट्टी, बंद. कर सकते हैं ना? क्यों? इंडिपेंडेंस. क्लियर हुआ? तो एंटरप्रेनर बनने के लिए सबसे मेन आपको पहला क्या समझना पड़ेगा? डूइंग व्हाट यू लव. क्लियर हुआ? सेकंड, आपको काय पे ध्यान देना है? इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम. अब आप सीएस बन गए, सीएस बन के आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो ऑफिस टाइम पे जाओगे कि नहीं? हर चीज के लिए सीनियर का प्रेशर रहेगा कि नहीं? और आपने अपना ऑफिस खोल लिया अब, तो आपका इंडिपेंडेंस भी रहेगा और फ्रीडम. तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है. थर्ड, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट. अभी तो फालतू की बात है, आपको बैठे बैठे क्या लगेगा हम किसी के लिए काम नहीं करते, पर कस्टमर के लिए तो करके दे रहे हैं ना अपन. तो भाई जो एंटरप्रेनर रहता है उसको एक रिकॉग्निशन क्या हो जाता है कि मेरा खुद का काम है, फर्स्ट. और दूसरा ये क्या रहता है? मेंटल या मोरल सेटिस्फैक्शन, कि हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, हमारा खुद का अपना बिजनेस है. नेक्स्ट देखो क्या है? इनकम पोटेंशियल. एंटरप्रेनर का इनकम पोटेंशियल ज्यादा रहेगा कि कम? ज्यादा. सैलरीड वाले का? लेकिन फिर रिस्क किसमें ज्यादा है? एंटरप्रेनर. सैलरी वाले को तो प्रॉफिट हो या लॉस उतना पेमेंट मिलना ही है, दोनों के अपने अलग अलग एडवांटेज है. ओन बॉस, जब आपको जो करना है आप वो करो. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस भी पूरा है और फ्रीडम भी पूरा है. ऑफिस में कुछ इनोवेशन कर सकते हो क्या? जॉब में भगा देगा एम्प्लॉयर. और अपने बिजनेस में कभी भी हम क्या कर सकते हैं? इनोवेशन. अब देखो नीचे का जो बेटा स्पेस दिया है ना मैंने, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं करना है, इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं.
क्या हो गया? कितने पार्ट में डिवाइड करना है? तीन। अब देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखो कहां पे होगा आपको। पहला हु इज एन एंटरप्रेनर, तो एक जो पैरा का कॉलम है उसमें ही सारे पॉइंट्स लिख लेना। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड में व्हाई। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है और यहां से एमसीक्यू आता है। पहले वाले में क्या लिखना है? एंटरप्रेनर के क्या दिया है देखो, कौन होता है। सेकंड में कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड में क्या है? वाई। वाई में देखो सबसे पहला कौन सा काम करना है? डूइंग व्हाट वी लव। सेकंड क्या बोला है? इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। थर्ड क्या बोला है? रिकॉग्निशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। फोर्थ इनकम पोटेंशियल, फिर ओन बॉस, और लास्ट क्या हो गया? इनोवेशन। ये तीनों पैराग्राफ सॉरी तीनों कॉलम में आप सिर्फ पॉइंट लिख लेना, ताकि बाद में जब एग्जाम के टाइम आप रिवाइज करोगे तो तीनों पढ़ने के बजाय वो तीनों को एक साथ कंपैरेटिव। चलो सेवंथ पे आ जाओ। क्या दिया है अब? टाइप्स। अब सबसे पहला देखो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेनर में क्या है? आइडियलिस्ट, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। द आइडियलिस्ट एंटरप्रेनर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटरप्रेनर। ही लाइक्स इनोवेशन एंड एंजॉय वर्किंग ऑन समथिंग न्यू और क्रिएटिव। ही इज गाइडेड बाय मोर आइडियल्स व्हाइल कीपिंग इन व्यू द आइडियाज दैट आर फॉर्मुलेटेड बाय हिम इन ऑर्डर टू परस्यू हिज इनोवेशन। चलो बोलो क्या मतलब होता है इसका? सबसे ज्यादा अपने को यही वाला एंटरप्रेनर मिलेगा। पैराग्राफ रीड करो तीनों लाइन और मुझे मीनिंग बताओ। बोलो क्या लिखा है? आइडियलिस्ट, जिसके दिमाग में आइडिया आते रहते हैं और उसके बेसिस पे वो वर्क करता रहता है। क्या कहलाता है? आइडियलिस्ट। लेकिन पहला पॉइंट क्या लिखा है? आइडियलिस्ट एंटरप्रेनर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटरप्रेनर। ही लाइक्स, उसको क्या पसंद है? इनोवेशन एंड एंजॉयज वर्किंग ऑन समथिंग न्यू और क्रिएटिव। क्या मतलब? नई चीज पे बार-बार काम कर रहा है, उसको हम कांस्टेंट एंटरप्रेनर बोलेंगे। आइडियलिस्ट क्लियर। सेकंड क्या बोला? ऑप्टिमाइजर, क्लोज सेकंड एंड इज कंटेंट विद पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंपली बीइंग अ बिजनेस ओनर। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक? पॉजिटिव थिंकिंग। भाई मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है बस यही, तो क्या कहलाएगा? ऑप्टिमिस्टिक। इसका मेन काम क्या है? मेन दूसरों को सेटिस्फाई करना है कि पर्सनल? पर्सनल। क्लियर हुआ? ज्यादा ग्रोथ के चांसेस किसके हैं? आइडियलिस्टिक के। थर्ड ये कौन सा है? हार्ड वर्कर। द हार्ड वर्कर एंटरप्रेनर कैटेगरी इंक्लूड्स पर्सन हु एंजॉय पुटिंग इन लॉन्ग आवर्स टू बिल्ड अ लार्जर एंड मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्लियर हुआ? तो पहला कौन सा हो गया? आइडियलिस्ट। सेकंड ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज में मेन फोकस काय पे करना है? सेल्फ। आइडियलाइज में न्यू आइडिया, और थर्ड में क्या है? हार्ड वर्कर। फोर्थ जिसका सिर्फ मेन काम क्या है? टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। अपना बिजनेस तो है 10 से 5, बाकी उसे कोई मतलब नहीं, वो दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहा है। इसमें और हार्ड वर्कर में क्या फर्क है? हार्ड वर्कर लाइफ को बैलेंस नहीं करता, वो मोर फोकस काय पे रहता है? अपने ऑब्जेक्ट पे। और इस टाइप के एंटरप्रेनर जो रहते हैं सस्टेनर्स, इनका मेन काम क्या रहता है? वो दोनों को क्या करना है? बैलेंस। मेन काम प्रीडोमिनेंटली आर फोकस टू स्टार्ट अ बिजनेस टू इंप्रूव द वर्ल्ड। देयर मोटो इज टू वर्क इन अ मैनर विच इज मोरली एंड एथिकली करेक्ट सो एज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ नोबल कॉज। एक आध एग्जाम्पल बताओ, क्लासेस को ले सकते हैं इसमें? नोबल कॉज नहीं हम पढ़ा रहे तो है ना, फिर वही तो मैं पूछ रहा हूं। जहां बोला मेरे को सुनाई दिया ना। क्लियर हुआ? इंप्रूवर, सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए काय में आ जाएंगे? इंप्रूवर टाइप। सिक्स पे स्टार लगाना। अब क्या है? एडवाइजर। किस पे फोकस करते हैं ये लोग? कंज्यूमर। किस पे फोकस करते हैं? कंज्यूमर सोवर्जिनिटी वेयर दे इंडल्ज एक्सेसिवली इन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। दिस बिजनेस पर्सनैलिटी टाइप विल प्रोवाइड एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ असिस्टेंस एंड एडवाइस टू। एग्जाम्पल एक आध
सीए सीएस डॉक्टर्स को लोगे? क्यों? डॉक्टर एडवाइस नहीं देते, सीधा ऑपरेशन कर देते हैं। फिर आएगा ना डॉक्टर भी। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, सुपरस्टार। एक आध एग्जांपल, ये काय पे वर्क करते हैं? चरिश्मा चार मैन हाई एनर्जी। एन एंटरप्रेनर लाइक दिस हैज एन ओवरवेलमिंग पर्सनैलिटी विच वर्क्स इन हिज फेवर, सो डज इन द फेवर ऑफ बिजनेस। एंटरप्रेनर एग्जाम्पल इज पीटर सैम्बेथा, सीईओ ऑफ सुपर एफएम। रहता ना कोई, किसी की बहुत हाई प्रोफाइल है, फिर उसी से वो बिजनेस स्टार्ट कर देता है, तो उसको देख के वो बिजनेस ग्रो होता है। अब कौन सा है? आर्टिस्ट। इसका मेन काम क्रिएटिविटी ओरिएंटेड। इसमें क्या क्या आएगा? एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, पीपल इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, जितनी भी एड एजेंसीज हैं सब इस टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप में फॉलो करती हैं। फिर विजनरी, ये क्यों फॉर्म किया जाता है? विजन इन माइंड। अब क्या बोला है? एनालाइज। इसका मेन काम प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉर्मल वे कि सिस्टमैटिक वे? सिस्टमैटिक वे। जितना अंडरलाइन करा रहा हूं, एमसीक्यू इधर ही आसपास ही मिलेगा आपको, कहीं नहीं जाना है, बहुत पॉइंट्स पे पढ़ना है। फिर क्या बोला है? फायरबॉल। किसके लिए यूज होता है? एनर्जेटिक पर्सन। मेन काम फुल ऑफ लाइफ एनर्जी एंड ऑप्टिज्म। फिर इसके बाद एक क्या रहता है? जगलर, हु कन्वेंशनली मीन्स एंटरटेनर, हु कीप्स सेवरल प्लेट्स नाइव्स बॉल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स इन द एयर एट वंस बाय टॉसिंग एंड कैचिंग देम। मतलब बहुत सारे काम करता है, जो हिट हो जाए उसी का बिजनेस चालू। सर्कस वर्कस नहीं क्या? हाँ, वो लोग क्या करते हैं? कई सारी चीजें करते हैं, तो उसको यहां पे कैसे कोरिलेट करना है कि मैं कई तरह के बिजनेस कर रहा हूं और उसमें से अगर मेरा एक हिट हो गया, इनोवेटिव हूं क्या मैं? हिट एंड रन देखा है? बार बार एक ही चीज पे अगर जो हिट हो गया वो मेरा है। तो ऐसे कई बिजनेस कैसे रहते हैं कि ये भी बिजनेस स्टार्ट करके देखा, फिर ये स्टार्ट करके देखा, फिर बहुत सारे हैं ना, फिर इसमें से मैंने क्या किया? एक ऑप्ट कर लिया। तो मैं किस में ऑप्ट करूंगा? जिसमें मेरी ग्रोथ के चांसेस हैं कि नहीं। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, क्या नहीं, रिलायंस जगलर्स में नहीं आएगा। रिलायंस का डाइवर्सिफिकेशन का केस है। जो छोटा एंटरप्रेनर रहता है, जो कई सारी चीजें शॉप पे चालू कर देता है, फिर उसको बड़ा किसको करता है? जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट है। अब क्या दिया है? हीरो लाइक एंटरप्रेनर्स आर पीपल विद ग्रेट विलिंगनेस एंड एफिशिएंट लीडरशिप। ही इंस्पायर्स अदर, ही हैज एन इनक्रेडिबल विल एंड एबिलिटी टू लीड द वर्ल्ड एंड बिजनेस थ्रू एनी चैलेंज। और लास्ट क्या हो गया? हीलर। हीलर एज द नेम सजेस्ट नर्चर्स द बिजनेस बाय ब्रिंगिंग हार्मोनी विथ सरप्राइजिंग एबिलिटी टू सर्वाइव विथ एन इनर काल्म। हीलर इज क्लोजली रिलेटेड टू काल्मनेस विच लेट्स हिम अवॉइड आउटसाइड हर्स रियलिटीज ऑफ बिजनेस। वन मस्ट कीप अ सिनेरियो प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ टर्मोइल। क्या मतलब हुआ? जो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए करता है तो वो क्या कहलाएगा? हीलर। इसके ग्रोथ के चांसेस सिर्फ सर्वाइवल पे ध्यान है, बाकी उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, तो ग्रोथ के चांसेस क्या रहेंगे? कम। अब देखो टाइप्स में फिर से बता रहा हूं। सबसे पहला एंटरप्रेनर का टाइप क्या है? आइडियलिस्ट। इसके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते हैं, तो वो। सेकंड क्या बोला है? ऑप्टिमाइजर, मेन पर्सनल सेटिस्फेक्शन। थर्ड हार्ड वर्कर, जो एक्स्ट्रा वर्क करके बिजनेस को ग्रो करता है। फिर क्या बोला है? सस्टेनर, प्रॉपर बैलेंस रखता है। क्लियर हुआ? कहीं देखते ना अपन डॉक्टर्स क्लिनिक खोल लिया सुबह 8 से 10 और शाम को 6 से 8, बोले बाकी टाइम हम देखते ही नहीं, तो क्या क्या है? सस्टेनर्स, वो कायम बैलेंस रख रहे हैं। और एक डॉक्टर है, यहां भी देख रहा है वहां भी देख रहा है कई जगह, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हार्ड वर्कर। फर्क समझ में आया? अब इसके बाद क्या बोला है? इंप्रूवर। किस चीज को इंप्रूव करेगा? अपने को कि सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? इंप्रूवर। इसके बाद क्या बोला है? एडवाइजर। इसका मेन फोकस किसके ऊपर रहता है? सबके ऊपर कि कंज्यूमर? डील्स इन कंसल्टेंसी और एडवाइजिंग, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी। इसके बाद क्या बोला है? सुपरस्टार, हाई एनर्जी चार्म के बेसिस पे। आर्टिस्ट की खासियत क्या रहेगी? सारी चीजों पे फोकस की क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। इसके बाद विजनरी, फ्यूचर देखते हुए अगर अपन अभी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? विजनरी। एनालाइज्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसका मेन काम क्या है? प्रॉब्लम को क्या करता है? सॉल्व। इसके बाद फायरबॉल, एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत ज्यादा करने का है उसका। इसके बाद जगलर्स, जगलर मतलब कैसा? कई चीजों में डील कर रहा है, पर परफेक्ट क्या रहेगा ये उसे भी नहीं मालूम, जो परफेक्ट हो गया उसको वो ऑप्ट कर लेता है। इसके बाद
हीरो एफिशिएंट लीडरशिप, और हीलर मतलब जिसका मेन फोकस सिर्फ काय पे है, सस्टेन करने पे, सर्वाइवल। क्लियर? इस चैप्टर में ज्यादा डीप में नहीं जाना है, अब इसके बाद आप मॉड्यूल में देखोगे तो ग्लॉसरी दी हुई है, वो रीड कर लेना। कोई डाउट इसमें? पक्का? चलो चैप्टर नंबर टू लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा चैप्टर है, सबसे ज्यादा इसी में से आता है। क्या लिखा है? एंटरप्रेन्योरशिप काय पे फोकस करना है? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन एन एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली चीज क्या बोला है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट एडिशनल इनोवेशन। क्या मतलब हुआ इसका? कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट में आना है तो जरूरी क्या है? इनोवेशन। नॉर्मल इनोवेशन की एडिशनल इनोवेशन? एडिशनल इनोवेशन मेक फर्म लुक ग्लैमरस इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केटिंग टेक्निक एंड न्यूअर वेज टू रीच आउट कस्टमर इन सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। चलो क्या मतलब हुआ? कभी भी अगर कंपनी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ट्रैक पे लाना है तो सबसे मेन चीज क्या है, क्या होना चाहिए? इनोवेशन। अगर इनोवेशन रहेगा तो आपका नया प्रोडक्ट आएगा, नई मार्केटिंग मेथड्स आ सकते हैं, और न्यू वेज किस चीज को पहुंचने के लिए कस्टमर। देयर आर दीज आर यूजुअली सीन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन विच इज इटसेल्फ सीन एज इंजन ड्राइविंग कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द विनिंग परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन काय पे फोकस करना है? कॉम्पिटिटिंग ऑन क्वालिटी नॉट प्राइसेस। क्लियर हुआ? आपको काय पे कॉम्पीट करना है? क्वालिटी। काय पे कॉम्पीट नहीं करना है? प्राइसेस। दूसरा, डोमिनेशन ऑफ मार्केट नीड्स। थर्ड, कॉम्पिटिंग इन एरिया ऑफ स्ट्रेंथ। भाई हमेशा याद रखना है, अगर आप एंटरप्रेनर हो तो आपको कॉम्पीट काय में करना है? जिस एरिया में आपकी स्ट्रेंथ है, कि जो एरिया आपका वीक है, जो एरिया में आपकी स्ट्रेंथ है। फिर क्या होना चाहिए? टाइट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल। क्यों टाइट फाइनेंशियल? पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा तो वेस्टेज होगा, प्रॉफिट में जाएंगे कि लॉस में? लॉस में। इसके बाद देखो क्या दिया है, फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेशन। मतलब अगर एक एंटरप्रेनर है, बिजनेस कर रहा है, उसको ग्रोथ में लेके जाना है तो उसको कितने फैक्टर्स पे ध्यान देना है? पांच। पहला फैक्टर क्या बोला है? कॉम्पीट क्वालिटी पे करना है, काय पे नहीं, प्राइसेस पे। आपको मार्केट को क्या करना पड़ेगा? डोमिनेट। किस एरिया में कंपटीशन करना है? जो आपकी स्ट्रेंथ है कि जो अपना वीकनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद कंट्रोल होना चाहिए काय पे? फाइनेंशियल पे भी और ऑपरेशनल पे भी। फिर उसके बाद क्या बोला है? फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेशन। क्लियर हुआ? फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट को भी इनोवेट करना है और सर्विस के मेथड को भी क्या करना है? इनोवेट। तभी बिजनेस क्या होगा? ग्रो। एंटरप्रेन्योरशिप इज देयरफॉर इनोवेटरी प्रोसेस इन्वॉल्व आइदर इन क्रिएशन ऑफ एन इकोनॉमिक एंटरप्राइज बेस्ड ऑन न्यू प्रोडक्ट और सर्विस विच डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय अदर सप्लायर इन कंटेंट और इन द वे इट्स प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज नॉर इट्स इन मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? क्वालिटी। तो क्वालिटी किससे रिलेट करेगा? प्रोडक्शन के, अदर देन प्रोडक्शन? प्रोडक्शन। इन टूडेज एनवायरमेंट वे आर कॉम्पिटिशन रिक्वायर बिजनेस एंटरप्राइज टू बी डिस्टिंक्ट एंड मीट कस्टमर्स नीड विद बेटर और न्यू प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ क्रिटिकल नेसेसिटी। थस एंटरप्रेनर एंड एंटरप्राइज आर कंटिन्यूअसली क्रिएटिव। इन दोनों का क्या है? एंटरप्राइज और एंटरप्रेनर दोनों को क्या होना पड़ेगा? क्रिएटिव नहीं है, देखो क्या लिखा है, कंटिन्यूअसली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव टू रिमेन रेलेवेंट टू द कस्टमर विच इज द पर्पज ऑफ एवरी बिजनेस। दिस रिक्वायर्स टू स्टडी एनवायरमेंट थोरोली एंड स्कैन इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टेक होल्डर। चलो एक वर्ड नया आया, हु इज स्टेक होल्डर? जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है या सोसाइटी में इंटरेस्ट है, वो पर्सन क्या कहलाएगा? स्टेक होल्डर। क्लियर? मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, शेयर होल्डर। मैं रिलायंस का मोबाइल यूज कर रहा हूं, स्टेक होल्डर। कस्टमर ही बेसिकली क्या रहता है? स्टेक होल्डर। चलो सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, लिखो वहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। चलो व्हाट इज स्कैन करना, क्या मतलब होता है?
एनालाइज करना है, स्कैन करना मतलब एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट मे इन्फ्लुएंस इट्स करेंट एंड फ्यूचर प्लान. एक कंपनी प्लास्टिक के बैग्स बनाती थी, तो उसको एनवायरमेंट स्कैनिंग करना चाहिए कि नहीं? क्यों? अभी आगे देखो बंद हो सकता है, तो उसको अपना प्रेजेंट में स्कैनिंग करना है. किस ईयर के लिए? फ्यूचर के लिए. एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज अ कंसेप्ट फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट बाय विच बिजनेस गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट टू बेटर अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. टू सस्टेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कंपनी मस्ट ऑल्सो बी रेस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल स्कैनिंग बाय अल्टरिंग इट स्ट्रेटेजीज एंड प्लान व्हेन नीड अराइज. स्कैनिंग से हम क्या करते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को लेते हैं और क्या देखते हैं कि इसका फ्यूचर पे क्या फर्क पड़ेगा. व्हेन एंटरप्रेन्योरशिप इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एनवायरमेंट स्कैनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन केयर विथ रिगार्ड्स टू डेवलपिंग अ न्यू प्लान विच कंप्रोमाइज ऑफ इनोवेटिव आइडिया एंड क्रिएटिव एंड सो दैट सेम मे बी डेवलप्ड एंड ऑफर्ड इन द मार्केट. सिंपल आप तो बताओ वॉट इज एनवायरमेंट स्कैनिंग? दो चीजों पे फोकस, मॉनिटर करना है ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनल के एक्सटर्नल, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. बी पॉइंट पे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है अब ये? इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. क्या करता है ये? एंटिसिपेट एंड इंटरप्रेट क्या रिजल्ट्स दैट देयर बिजनेस इनोवेशन वुड रिजल्ट इन. कोई बता सकता है इसका मीनिंग? स्कैनिंग अगर करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि जो वो इनोवेशन आप ला रहे हो प्रॉफिटेबल है कि नॉट प्रॉफिटेबल. क्लियर? सेकेंड देखो, द टर्म एनवायरमेंटल स्कैनिंग रेफर्स टू स्क्रीनिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिटेक्ट इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टू क्रिएट सेट ऑफ सिनेरियो. क्या एनवायरमेंट स्कैनिंग से फ्यूचर का ट्रेंड पता चल सकता है? क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट स्कैनिंग इंटरनल फैक्टर को भी देखती है और एक्सटर्नल. कंपनीज विच स्कैन देयर बिजनेस एनवायरमेंट आर प्रूवन टू अचीव हायर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ कंपेयर टू कंपनीज विच डू नॉट. तो आप कंपनी को क्या सजेस्ट करोगे? एनवायरमेंट स्कैनिंग सजेस्ट करोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप इंटरनल को भी स्टडी कर सकते हो और एक्सटर्नल को भी. सबसे पहले एनवायरमेंट स्कैनिंग को किसने अप्रूव किया? अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आता है लाइफ इंश्योरेंस फर्म. किस साल? 1970. फॉर इंस्टेंस एट दैट टाइम डिमांड फॉर लाइफ इंश्योरेंस वॉज डिक्लाइनिंग एंड द इंश्योरेंस फर्म हैड फेल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट देयर वॉज अ फंडामेंटल चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर इन US. Young families in late 1970s tended to be dual career couple and they increasingly preferred to remain childless for a longer period of time. Because the families were smaller, the demand for life insurance declined. This is the one of the example as to how scanning of environment is helpful in analyzing the factor for the behavior of entrepreneurial activity conducted. इसका और दूसरा example, आज एक कंपनी है वो प्लास्टिक के बैग्स बना रही थी, तो उसने स्कैनिंग की तो उसने एक्सटर्नल फैक्टर में पता किया कि गवर्नमेंट इन फ्यूचर प्लास्टिक बैग्स को क्या करने वाली है? बंद करने वाली है. तो आप उस कंपनी में अगर एज अ मैनेजर हो तो आप सजेस्ट करोगे क्या उसको और उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए? क्यों? कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रॉफिट पे उसका फर्क पड़ेगा कि नहीं? एक मोबाइल लैंडलाइन कंपनी थी ना, बीटेल कम्युनिकेशन, पहले क्या बनाता था? लैंडलाइन फोन्स. उसने एनवायरमेंट स्कैनिंग किया कि नहीं? जैसे इंटरनेट आया, मोबाइल का यूज बढ़ा, उसने क्या किया? एनवायरमेंट स्कैनिंग. मोबाइल का सॉरी लैंडलाइन का प्रोडक्शन बढ़ाया कि कम किया? क्यों कम किया? आने वाला टाइम काय का है? मोबाइल. तो लैंडलाइन फोन्स का यूज बढ़ेगा कि कम होगा? तो काय का कंसेप्ट कहलाता है एनवायरमेंट स्कैनिंग, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. सी, अब कितने तरह के एनालिसिस हो सकते हैं? तीन. पहला SWOT एनालिसिस, दूसरा PESTEL एनालिसिस और थर्ड इंडस्ट्री. SWOT में क्या क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. इसके बाद PESTEL एनालिसिस और इंडस्ट्री. क्लियर हुआ? मतलब एनवायरमेंट स्कैनिंग कितने तरीके से हो सकती है? तीन. सबसे पहले किस बिजनेस में इसे यूज किया गया था? लाइफ इंश्योरेंस. इंडिया में कि यूएस में?
चलो पॉइंट नंबर थर्ड क्या दिया है अब, सॉर्ट एनालिसिस। कहां से ओरिजिनेट हुआ? अल्बर्ट एस हम्प्रे, कब? 1960। सॉर्ट एनालिसिस इज एज यूजफुल नाउ एज इट वॉज देन, आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंपनी की क्या पता करना है, फिर वीकनेस, फिर अपॉर्चुनिटी, फिर थ्रेट, टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रेटेजिक नाइच दैट कंपनी कुड एक्सप्लॉइट। काय का पार्ट है सॉर्ट एनालिसिस? एनवायरमेंट स्कैनिंग का। पहला मेथड कौन सा हो गया? सॉर्ट एनालिसिस। काय पे फोकस करेंगे अपन? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ध्यान देना एग्जाम का क्वेश्चन। सॉर्ट एनालिसिस काय किस चीज को मर्ज करता है? एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरमेंट एनालिसिस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आइडेंटिफिकेशन विद इंटरनल। मतलब जब भी आप सॉर्ट एनालिसिस कर रहे हो तो आपको इंटरनल फैक्टर पे भी ध्यान देना है और एक्सटर्नल फैक्टर पे भी ध्यान देना है। सॉर्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एंटरप्रेनर इज एबल टू एक्सेस फीजिबिलिटी। व्हाट इज फीजिबिलिटी? कि भाई जो काम कर रहा है प्रॉफिटेबल होगा कि लॉस, उसको करने में फायदा है कि नहीं, और क्या पता करके देता है ये? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपनीज अपॉर्चुनिटी। द एंटरप्रेनर हुज कंसीव्ड एन आइडिया इन हिज माइंड वुड देन बी एबल टू इवेलुएट वेदर सच प्लान, मिशन, ऑब्जेक्ट आर इवन क्लोज टू रियलिज्म और इन द वे ऑफ एयर ओनली। इफ दे आर रियलिस्टिक एंटरप्रेनर कैन कंटिन्यू टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजीज, बट इफ दे आर नॉट रियलिस्टिक द एंटरप्रेनर शुड अमेंड एंड मॉडिफाई प्लान और डिस्कार्ड द सेम और ओरिजिनेट अ न्यू वन विच हैज मोर ऑड्स ऑफ सक्सेस। क्लियर हो हम कौन सा एनालिसिस पढ़ रहे हैं? स्वॉट एनालिसिस। सबसे पहले हमें हमारा क्या मालूम होना चाहिए? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। फोर्थ पॉइंट पे ध्यान देना। दिस टूल कैन यूज इट इन टू वेज। पहला अ सिंपल आइस ब्रेकर हेल्पिंग एंटरप्रेनर टू एनालाइज द प्लान एंड जज फीजिबिलिटी, और इन मोर सोफिस्टिकेटेड वे एज अ सीरियस स्ट्रेटेजी टूल वेयर इन एंटरप्रेनर्स चेक्स स्वॉट एवरी स्टेज ऑफ इज फॉर्मुलेटिंग द प्लान एंड देन पुट फॉरवर्ड द आइडियाज एज बिजनेस। मतलब सबसे पहली स्टेज में आपको क्या देखना है? स्ट्रेंथ देखना है। सबसे पहली स्टेज में क्या देखना है? स्ट्रेंथ। कितने कंपोनेंट है इसके? चार। पहला कंपोनेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर ऑफन इंटरनल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना कितने वे में होगा ये? स्वॉट एनालिसिस किस किस को कंबाइन करता है? खाली इंटरनल की खाली एक्सटर्नल? दोनों। फैक्टर्स कितने हैं? चार। पहला स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। देखो क्या लिखा है, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये काय के पार्ट है? इंटरनल। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट रिलेट टू एक्सटर्नल फैक्टर। फॉर दिस रीजन सॉर्ट एनालिसिस इज समटाइम कॉल इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस एंड सॉर्ट मैट्रिक्स इज समटाइम्स कॉल आईई मैट्रिक्स। मतलब सॉर्ट एनालिसिस के कितने नाम है? दो। पहला इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस और कई बार इसे क्या बोला जाता है? आईई मैट्रिक्स। स्वॉट एनालिसिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कितने फैक्टर्स? दो फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल। कितने इसमें डिपेंड है? चार। पहला स्ट्रेंथ और वीकनेस किसकी देखना है? इंटरनल, और बाकी चीजें एक्सटर्नल। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इंटरनल एक्सटर्नल एनालाइज और आईई मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? अब स्ट्रेंथ, व्हाट? सबसे पहले स्ट्रेंथ में अपने को क्या मालूम है? एडवांटेज। हाउ डज इट सर्व सोसाइटी बेटर देन एनीवन एल्व। फिर आपको क्या बताना पड़ेगा? यूनिक और लोएस्ट कॉस्ट। व्हाट विड बी योर स्ट्रेंथ इन मार्केट वंस दिस आइडिया इज मटेरियलाइज। व्हाट फैक्टर मीन गेट द सेल और आपका क्या है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो ये क्या हो गया आपका? स्ट्रेंथ। कंसिडर यूर स्ट्रेंथ फ्रॉम बोथ इंटरनल परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूअर कस्टमर एंड पीपल इन यूर प्रोस्पेक्टिव मार्केट। देखो यहां पे स्ट्रेंथ और वीकनेस ये हमेशा काय का पार्ट रहेगा? इंटरनल। दूसरा क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये काय का पार्ट रहेगा? एक्सटर्नल। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? सॉर्ट। और दूसरा इसका नाम इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस और इसका तीसरा नाम आई ई मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? और इसका दूसरा नाम क्या है? आई ई मैट्रिक्स। क्लियर हो गया?
SWOT एनालिसिस में कितनी चीजों का कॉम्बिनेशन है? दो, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या क्या आएगा? स्ट्रेंथ और वीकनेस. एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. इसको और किस नाम से जाना जाता है? SWOT एनालिसिस, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस और IE मैट्रिक्स. क्लियर? ये ड्रॉ कर लेना, याद आना चाहिए एग्जाम में. अब सेकंड क्या ढूंढना है? पहला क्या हो गया? स्ट्रेंथ. अब दूसरा? अपनी की किसी दूसरे की? अपनी. क्यों? स्ट्रेंथ और वीकनेस किसका पार्ट है? इंटरनल. तो सबसे पहला फर्दर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. किन चीजों को क्या करना है? अवॉइड. लाइकली टू सी एज वीकनेस. और व्हाट फैक्टर लूज योर सेल्स? किस चीज की वजह से आपकी सेल्स कम हुई? क्लियर हुआ? ये सारे किसके कंपोनेंट रहेंगे? इंटरनल फैक्टर के एक्सटर्नल फैक्टर? इंटरनल. अब क्या दिया है? अपॉर्चुनिटीज. व्हाट गुड अपॉर्चुनिटीज कैन यू स्पॉट इन रिलेशन टू इनोवेटिव आइडिया यू हैव? दूसरा, ट्रेंड को चेक करना है. अब ट्रेंड चेक करेंगे तो यूजुअल अपॉर्चुनिटीज कैन कम फ्रॉम सच थिंग एज चेंज इन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन सोशल पैटर्न और लोकल इवेंट. तो ये क्या कहलाएगा आपका? अपॉर्चुनिटीज. इंटरनल के एक्सटर्नल ये सारे क्या है? अब फिर आपको क्या देखना है? थ्रेट्स. व्हाट इज थ्रेट्स? अभी ओला उबेर को सबसे बड़ा थ्रेट किससे है? रिलायंस. क्लियर हुआ? रिलायंस के लिए अपॉर्चुनिटी काय में है? कैप में. तो क्यों? रिलायंस के पास फंड है ना. तो ये कौन सा एनालिसिस होता है? SWOT एनालिसिस. पहले क्या देखते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस. इंटरनल के एक्सटर्नल? इंटरनल. देन क्या चेक करते हैं? एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. थ्रेट में सबसे पहले ऑब्स्टेकल्स आर लाइकली टू बी फेस्ड. दूसरा, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है? फिर आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन ऑफ योर जॉब प्रोडक्ट और सर्विस चेंजिंग. क्या चेंजिंग टेक्नोलॉजी है? और वीकनेस सीरियस है जिससे आपका बिजनेस बंद हो सकता है. सबसे अच्छा एग्जांपल फिएट. सर्विस अच्छी नहीं थी तो देखो थ्रेट बन गया, बिजनेस पूरा क्या हो गया? बंद. तो SWOT एनालिसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. इंटरनल में कितनी चीजें आएंगी? दो. एक्सटर्नल में कितनी चीजें? दो. इसको तीन नामों से जाना जाता है. पहला SWOT एनालिसिस, सेकेंड इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस और थर्ड IE मैट्रिक्स. ये तीनों पैराग्राफ घर पे पढ़ लेना. नेक्स्ट देखो अब पेस्टल. ये भी किसका है? एनवायरमेंट स्कैनिंग का पार्ट है. पहला कौन सा हो गया? SWOT. अब दूसरा क्या हो गया? पेस्टल. पेस्टल में हम एनालिसिस काय का करेंगे? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंट. कितने साल से चला आ रहा है ये? 10 साल से. यहां पे क्या करना है? ऑडिट करना है. काय का? एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस आइडिया विद पर्पज ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टू प्री असर्टेन. मतलब बाद में कि पहले? पहले. क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइक प्रोजेक्ट एंड देयर बाय गाइड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इन अकॉर्डेंस. द अजम्पशन इज दैट इफ एंटरप्रेनर इज एबल टू ऑडिट हिज इन्फ्लुएंसिंग एनवायरमेंट एंड असेस पोटेंशियल थ्रेट टू हिज प्रोजेक्ट, इट विल बी बेटर प्लेस्ड इन मार्केट एंड बी एबल टू अकोमोडेट द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर. अगर कोई भी बिजनेस आपका चल रहा है तो आपको एनवायरमेंट स्कैनिंग करना ही है. अगर आप एनवायरमेंट स्कैनिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले डिसाइड क्या करना है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे. आप कौन सा फॉलो कर सकते हो? SWOT. तो SWOT की खासियत क्या है? ये चार चीजों पे फोकस करता है. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी. किस किस फैक्टर को लेता है? इंटरनल को भी कंसिडर करता है और एक्सटर्नल. दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? पेस्टल एनालिसिस. सबसे पहले कोई भी अगर एंटरप्रेनर है स्कैनिंग करेगा तो इंटरनल देखेगा कि एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में सबसे पहले कौन सा फैक्टर देखेगा? पॉलिसी, सॉरी पॉलिटिकल फैक्टर. अभी 2019 में इलेक्शन है, इंपैक्ट आएगा कि नहीं? तो कौन सा फैक्टर कहलाएगा? पॉलिटिकल. सबसे पहला टैक्स पॉलिसी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट लॉस, तीसरा एनवायरमेंटल रेगुलेशन, फोर्थ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, फिफ्थ
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप किस स्टेट में इन्वेस्ट करोगे जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, स्टेबिलिटी है। फिर टाइप एंड स्टेबिलिटी कैसी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, रूल ऑफ लॉ क्या है, लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है एंड करप्शन, रेगुलेशन एंड डीरेगुलेशन, एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब कोई भी बिजनेस एंटरप्रेनर है तो स्कैनिंग करता है, स्कैनिंग सबसे पहले वो कैसे कर सकता है, इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल। जब मेथड्स की बात आती है तो सबसे पहला स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट अगर नहीं करना है तो आप काय में जाओगे, पेस्टल, पेस्टल में सबसे पहले कौन से फैक्टर को चेक करोगे, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में क्या क्या चेक कर सकते हो, तो ये गिवन जितनी चीजें सारी काय में आ जाएंगी पॉलिटिकल, क्लियर। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसमें सबसे पहले क्या देखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बोला है, अभी की नहीं, प्रोजेक्टेड मतलब अभी की, फ्यूचर, फ्यूचर। उसके बाद इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस इन इकोनॉमी। चलो इसका एक आध एग्जाम्पल बताओ। बैंक के लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, कौन से फैक्टर में आएगा, इकोनॉमिक। कम हो गए, इकोनॉमिक। एक्सचेंज रेट कम हो गया, इकोनॉमिक। तो कोई भी बिजनेस जब स्कैनिंग करता है तो पेस्टल में जब सबसे पहले जाता है तो कौन सी चीजों को देखता है, पॉलिटिकल, उसके बाद क्या देखता है, इकोनॉमिक। थर्ड, अब सवाल ये आता है कई लोगों को कि सर बिजनेस और सोशल का क्या रिलेशन। सबसे पहला हेल्थ अवेयरनेस, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है तो यंग लोग ज्यादा रहेंगे कि कम, ज्यादा रहेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। सेकंड, एज डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में एक स्टेट है जहां पे 19 से लेकर 30 तक के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज्यादा हो सकती है कि कम, क्यों, क्योंकि लेबर फोर्स ज्यादा रहेगा। कैरियर एटीट्यूड, व्हाट इज कैरियर एटीट्यूड, अपन टॉपिक ही वो पढ़ रहे हैं ना, कि अपना काम करना है कि किसी के लिए काम करना है, दिस इज कॉल्ड कैरियर एटीट्यूड। फिर क्या बोला है, एम्फेसिस ऑन सेफ्टी। फिर पॉपुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी एंड एटीट्यूड। पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, जॉब मार्केट, फ्रीडम एंड एटीट्यूड टू वर्क, प्रेस एटीट्यूड, पब्लिक ओपिनियन, सोशल एटीट्यूड एंड सोशल टैबूज, लाइफ स्टाइल चॉइस। ये सारे कौन से फैक्टर्स हो गए, सोशल, इंटरनल के एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो पेस्टल एनालिसिस मैक्सिमम काय पे जाता है, एक्सटर्नल। पहला कौन सा फैक्टर देखता है, पॉलिटिकल, दूसरा कौन सा देखता है, इकोनॉमिकल, और तीसरा सोशल। अब फोर्थ क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल। सबसे फर्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ज्यादा होना चाहिए कि कम, ज्यादा, बैलेंस बना के रखना है। इंपैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट, रिडक्शन इन कम्युनिकेशन कॉस्ट एंड इंक्रीज रिमोट वर्किंग, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। व्हाट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैं आज एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था उसको छोड़ के कोई दूसरी अडॉप्ट कर ली, तो ये क्या कहलाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसके बाद क्या बोला है, लीगल फैक्टर। महाराष्ट्र में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, कौन सा फैक्टर है ये, लीगल फैक्टर। बिजनेस जल्दी होगा, लोग जल्दी अट्रैक्ट होंगे कि नहीं, पहले इंडिया में एक टैक्स था कि बहुत सारे टैक्सेस थे, एक्साइज था, सर्विस टैक्स, अब एक आ गया ना जीएसटी, तो किस में लोगे आप, लीगल फैक्टर। पर उसका इंपैक्ट कहां से आया, पॉलिटिकल फैक्टर, फिर उससे वो कौन सा फैक्टर बन गया, लीगल। तो यहां पे सबसे पहला लाइसेंसिंग, दूसरा एम्प्लॉयमेंट लॉ, थर्ड कॉम्पिटिशन लॉ, फोर्थ फॉरेन ट्रांजेक्शन लॉ, और लास्ट क्या हो गया, टैक्सेशन। तो ये सारा लीगल फ्रेमवर्क भी काय में आ जाता है, एनवायरमेंट स्कैनिंग, इंटरनल के एक्सटर्नल। स्वॉट एनालिसिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। पेस्टल एनालिसिस सिर्फ एक्सटर्नल पे ज्यादा फोकस करता है। हाँ बता रहा हूं दोनों। अब देखो एम्प्लॉयमेंट लॉस काय में, पहला लीगल में भी, और दूसरा कहां दिया है, पॉलिटिकल। गवर्नमेंट आती है, जैसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी जब 2014, तो उसने क्या अनाउंस किया था, हम 3 साल के अंदर 2 करोड़ जॉब्स देंगे, तो पॉलिटिकल था ना, पॉलिटिक्स के मैनिफेस्टो में दिया था। और फिर यहाँ पे क्या दिया है, लीगल फैक्टर में। अब जैसे देखते हैं ना, कई होटल्स पे लिखा रहता है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं है, तो ये भी काय का पार्ट है,
एम्प्लॉयमेंट लॉस का कि भाई रखना है, लेकिन किसको नहीं रखना है, माइनर को नहीं रखना है, इसलिए दोनों जगह दिया है। एम्प्लॉयमेंट लॉज आए तो अभी तक इतने दिन से आया ही नहीं है, बेसिकली उसको पॉलिटिकल में लेना। क्लियर हुआ दोनों जगह क्यों दिया है? अब एनवायरमेंटल फैक्टर, सबसे पहले एनवायरमेंटल इंपैक्ट। आप देख रहे हो बीचेस जो है, बीचेस के पास कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा इंपैक्ट है? एनवायरमेंट। उसके बाद पॉल्यूशन एक्ट काय में जाएगा, एनवायरमेंटल, एनर्जी अवेलेबल एंड कॉस्ट। आज ज्यादा से ज्यादा कंपनीज गाड़ियां काय पे चला रही है, पेट्रोल डीजल की सीएनजी, तो ये। और लास्ट क्या हो गया? वेस्ट डिस्पोजल। आप देखो हर कंपनी अगर मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन में वेस्ट निकल रहा है तो उसको कहीं भी डिस्पोज कर रहे हैं कि प्रॉपर वे में डिस्पोज कर रहे हैं? प्रॉपर। तो यहां पे देखो, मतलब अगर कोई भी एंटरप्रेनर है तो उसको स्कैनिंग करना है, जब वो स्कैनिंग करेगा, ये बना लेना, क्या कर रहा है वो? स्कैनिंग। अब ध्यान देना, उसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स की करना है, तब आप क्या सजेस्ट करोगे? क्या सजेस्ट करोगे? सॉर्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। यही है ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस किसकी देखना है? अपनी की किसी दूसरे की? तो ये क्या कहलाएगा? इंटरनल। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल। क्लियर? अब सेकेंड ऑप्शन, उसने बोला कि नहीं मुझे सिर्फ बाहर के बारे में पता करना है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। क्या सजेस्ट करोगे? तो पहले पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिकल, फिर सोशल, फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर लीगल, फिर एनवायरमेंटल। समझ में आया कैसे? कौन सा फॉलो करना है कहीं नहीं लिखा है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सॉर्ट। क्लियर हुआ? मुझे सिर्फ एक्सटर्नल से मतलब है। पेस्टल। क्लियर? अब देखो थर्ड, क्या है ये? पोर्टर्स इंडस्ट्री। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, क्या सजेस्ट करोगे? पोर्टर्स इंडस्ट्री। टेलीकम्युनिकेशन, पोर्टर, ओवरऑल बिजनेस के बारे में, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सॉर्ट। क्लियर हुआ? सिर्फ एक्सटर्नल। पेस्टल। किसी पर्टिकुलर, रेडीमेड गारमेंट्स, पोर्टर। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, डिपेंड करता है ना, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, पोर्टर। नॉर्मल बिजनेस है मेरा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सॉर्ट। खाली एक्सटर्नल। पेस्टल। क्लियर? अब देखो पोर्टर्स अप्रोच टू इंडस्ट्री एनालिसिस, अनदर इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज टू कंडक्ट इंडस्ट्री एनालिसिस विच इज टू टेक अ सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री इफ एनी बिफोर सेटिंग अप एन एंटरप्रेन्योरल एंडेवर। वापस सुनना, मुझे मान लो मोबाइल के कवर्स आते हैं ना, मोबाइल के कवर बनाने की यूनिट डालना है, मोबाइल के कवर बनाने की यूनिट डालना है और एनवायरमेंट स्कैनिंग करना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? पोर्टर सजेस्ट, पर्टिकुलर इंडस्ट्री है ना वो, तो पोर्टर्स इंडस्ट्रियल सजेस्ट करोगे, सॉर्ट करोगे? पोर्टर्स। क्लियर हुआ? मैं ऑलरेडी बिजनेस में हूं, ध्यान से सुनो, ऑलरेडी बिजनेस में हूं, मुझे इंटरनल भी करना है एक्सटर्नल भी करना है। सॉर्ट। क्लियर हुआ? मेरा बिजनेस चल रहा है, सिर्फ एक्सटर्नल करना है, नई इंडस्ट्री डालना है, पोर्टर्स। फर्क समझ में आया? कब कौन सा वाला चालू करना है? क्लियर हुआ? मेरा ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, मैंने बोला यार कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ रहे हैं, बताओ कौन सा स्कैनिंग करूं? कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ रहे हैं, मेरे इधर भी गड़बड़ हो रही है। सॉर्ट। कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, सिर्फ बाहर का बताओ क्या चल रहा है? पेस्टल। नई फैक्ट्री खोलना है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, पोर्टर्स। एन एंटरप्रेनर इज मोस्ट कंसर्न विद इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन टू विच ideas exposed. The level of this intensity may be determined by basic competitive forces. In scanning the industry, entrepreneur must assess
इंपॉर्टेंस ऑफ इट सक्सेस टू ईच ऑफ द कितने इस पे डिपेंड है ये फाइव फोर्सेस इसीलिए इसे क्या बोला जाता है पोर्टर्स फाइव और मैनेजमेंट में भी एक चैप्टर में पढ़ाया है प्लानिंग में अब ध्यान देना सबसे पहले किसका क्या चेक करना है सप्लायर पावर हाउ इजीली सप्लायर में डिराइव अ प्राइसेस दिस लीव डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सप्लायर of each key input, the uniqueness of their product or service, their strength and control over entrepreneurs, cost of switching from one to another. मतलब Porter's industry analysis में सबसे पहले किसका power देखना है? Suppliers power. क्या मतलब हुआ? अगर मैं अपनी factory start कर रहा हूँ, तो मुझे जो माल supply करते हैं, मैं अपना करूँगा कि जो मेरा को माल supply कर रहे हैं, जो मुझे माल supply कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो analysis होगा, वो पहला क्या कहलाएगा? Suppliers power. मुझे जो raw material लगता है, पूरे इंडिया में एक ही जगह available है. वो बंदा प्राइस डोमिनेट कर सकता है क्या बिल्कुल कर सकता है क्लियर हुआ सेकंड आप किसका पावर देखना है बायर दिस इवैल्यूएट्स हाउ इजी इट फॉर बायर्स टू डिराइव प्राइसेस डाउन अगेन दिस इज ड्राइवन बाय नंबर ऑफ बायर्स द डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट और सर्विस द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल बायर टू बिजनेस cost to them for accepting new product launched and so on or influencing factor to know how much buyer can affect the success of business plan jab porter ka industry analysis karte hain to hame do logo ka power dekhna hai pehla power kiska check karte hain supplier aur dusra power kiska check karenge buyer third point dekho kya hai competitive rivalry kya rehta hai aapka competition kiske sath hai matter karega ki nahi fourth dekho kya diya hai थ्रेट ऑफ चलो व्हाट इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन टी एंड कॉफी और मार्केट के हिसाब से कैब में कर सकते हैं क्या ओला और उबेर फिर एक डर क्या रहेगा क्लियर हुआ कैब में जियो कहां आ गया रे क्लियर हुआ तो सबसे पहले क्या चेक करना है चलता सुबह से बैठा इकोनॉमिक्स में वो सबसे पहला कौन सा हो गया सप्लायर का पावर चेक करना है फिर बायर फिर अपने को क्या चेक करना है कंपटीशन किसके बीच में है क्या सब्स्टिट्यूट है और उसके बाद देखो सबसे बड़ा डर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट तो एनवायरमेंट स्कैनिंग कितने वे में होगी तीन पहला सॉल्ट एनालिसिस पेस्टल एनालिसिस और आप मुझे बताओ सॉल्ट कब यूज करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल खाली एक्सटर्नल किसी इंडस्ट्री के लिए नया करना है पोर्टर कितने फैक्टर्स में डिपेंड है पांच पहला फैक्टर सप्लायर्स पावर बायर्स पावर उसके बाद कॉम्पिटिटिव रेवरली फिर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट और लास्ट क्या है पॉइंट नंबर सिक्स इस पर भी लिखो वेरी इंपॉर्टेंट अब ये प्रोसेस दिया है एनवायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस Environmental scanning begins with gathering information. सबसे पहले उस बंदे को क्या लेना है Internal information as well as external. This information can be obtained from various sources, both internal and external. मतलब जब भी scanning करोगे तो आपको क्या collect करना पड़ेगा Information. Information कहां कहां से collect कर सकते हो Internal as well as Scanning includes broad range of activities. It is a process of screening a large body of information for some particular bit of information that meets certain screening criteria. This process has several distinct steps. कितने step में divide है देखो पांच पहला step क्या है मतलब पहली requirement में main focus searching for information. Second क्या फर्क है बहुत मेन है ये पहले में क्या है इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है सेकंड में कहां से लेना है सिलेक्ट करना है थर्ड आइडेंटिफाई उसके बाद क्या करेंगे स्कैनिंग और फिर स्पेशल एक्शंस लेंगे किस चीज के ऊपर स्कैनिंग रिजल्ट मैंने जितने ब्रैकेट में किए इस पर फोकस करना ये प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है इन्फॉर्मेशन को सर्च करके फिर सिलेक्ट करके फिर आइडेंटिफाई फिर स्कैन और फिर स्पेशल एक्शन लेना है किसके बेसिस पे स्कैनिंग कितने तरह की एनवायरमेंटल स्कैनिंग हो गई तीन पहला पैसिव एक्टिव और डायरेक्टेड मेथड्स कितने हो गए तीन कौन कौन से सॉर्ट पेस्टल
पोर्टर. इंफॉर्मेशन कहां कहां से कलेक्ट हो सकती है? इंटरनल और एक्सटर्नल. एनवायरमेंटल स्कैनिंग कितने स्टेप्स में डिवाइड है? पांच. टाइप्स कितने हैं? तीन. पहला पैसिव, दूसरा एक्टिव और थर्ड क्या है? डायरेक्टिंग. पैसिव, एवरीवन्स स्कैन्स कंटिन्यूअसली. ऑनगोइंग स्कैनिंग एट एन ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस लेवल इज पैसिव स्कैनिंग. नो एफर्ट इज मेड टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिसोर्स टू स्कैन. द क्राइटेरिया ऑफ पैसिव स्कैनिंग आर ऑब्सक्योर, अनस्पेसिफाइड एंड ऑफन कंटिन्यूअसली चेंजिंग. ओनली एडॉक डिसीजन आर मेड ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ स्कैनिंग. चलो वॉट इज पैसिव स्कैनिंग? जो कंटिन्यूअस चलती रहती है वो क्या कहलाता है? पैसिव स्कैनिंग. सेकेंड, एक्टिव. द कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव स्कैनिंग आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ पैसिव. सर्चिंग और स्क्रीन प्रोसेस रिक्वायर मच हायर लेवल ऑफ अटेंशन. द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज स्कैन आर, समझ में आया दोनों में फर्क? जो कंटिन्यूस चलता है वो क्या कहलाएगा? पैसिव. किसी पर्टिकुलर चीज को ढूंढने के लिए एक्टिव. सेल्स फिगर निकालना है एक्टिव. कंपनी का नॉर्मल रूटीन बस देखते रहना है पैसिव. तो स्कैनिंग कितने टाइप की हो गई? तीन. फर्स्ट पैसिव, सेकेंड एक्टिव और थर्ड डायरेक्टेड. अब देखो डायरेक्टेड, चलो एक आध एग्जाम्पल बताओ. जो कंटिन्यूअसली चलती हुई आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में पैसिव. देन व्हाट इज एक्टिव स्कैनिंग? स्पेसिफिक. देन व्हाट इज डायरेक्टेड? थोड़ा सा और रीड करो फिर बोलो. तो बता रहा हूं मैं डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिफरेंस. कितने टाइप की स्कैनिंग हो गई? तीन. फर्स्ट स्कैनिंग इज पैसिव. पैसिव स्कैनिंग मींस कंटिन्यूअस. एक्टिव, स्पेसिफिक. अब देखो थर्ड वाले बेटा क्या लिखा है वो ध्यान देना. द एक्टिव स्कैनिंग मतलब डायरेक्टेड स्कैनिंग ही क्या बने, सॉरी एक्टिव स्कैनिंग ही क्या बनेगी? डायरेक्टेड. द एक्टिव स्कैनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स फॉर अ स्पेसिफिक आइटम इज डायरेक्टेड स्कैनिंग. यूजुअली दिस स्कैनिंग कंटिन्यूज अंटिल आइटम्स आर लोकेटेड, नॉट नेसेसरीली अंटिल द रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड. जो कंटिन्यूस चल रहा है पैसिव. मैंने बोला इस चीज की करो, जब तक वो करो जैसी बोला तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव. जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाएंगे डायरेक्टेड. देखो मैं भी वही बोल रहा हूं जो मैम ने बोला, वो गलत नहीं है, ध्यान से सुनना. कितने टाइप की स्कैनिंग हो गई? तीन. जो कंटिन्यूस चल रहा है पैसिव. मैंने बोला सिर्फ सेल्स का करो एक्टिव. लास्ट पॉइंट पे आप पहुंच गए तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप स्कैनिंग किस चीज के लिए कर रहे थे? बोले सर सेल्स फिगर को पुट आउट करने के लिए. तो क्या कहलाएगा? मैंने हल्का अलग वे में बोला, वापस समझना. क्या डायरेक्टेड स्कैनिंग पॉसिबल है? पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा कि ये करना है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्टिव. जो आप कर रहे हो कंटिन्यूअस पैसिव, वो कौन सी स्कैनिंग कहलाएगी? जहां से रिजल्ट निकला फाइनल डायरेक्टेड. डायरेक्टेड स्कैनिंग कब पॉसिबल है? जब पहले आप एक्टिव. क्लियर हुआ? या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि चार चीजें करना है तो ये क्या एक्टिव? चार में से एक का फाइनल आया था. लेकिन अगर अपन प्रॉपर वे में देखेंगे तो स्कैनिंग कैसा है? तीन टाइप की है. पहला क्या हो गया? पैसिव. सेकेंड एक्टिव. थर्ड डायरेक्टिव. स्कैनिंग काय से जनरेट होगा? एक्टिव. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? जो कंटिन्यूस चल रहा है वो क्या कहलाएगा? पैसिव स्कैनिंग. देन व्हाट इज एक्टिव स्कैनिंग? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज अचीव्ड दैट स्कैनिंग इज नोन एज डायरेक्टेड स्कैनिंग. क्लियर हुआ? मैंने बोला नॉर्मल क्या कहलाएगा वो? पैसिव. किसी पर्टिकुलर चीज के लिए? बोले सर कंप्लीट हो गया डायरेक्टेड स्कैनिंग. क्लियर हो गया? तो अब दूसरा टॉपिक क्या है? मार्केट असेसमेंट. वेदर इट इज अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कंडक्टिंग अ मार्केट असेसमेंट इज
essential to know whether exists any demand to the idea. Knowing of the market's need provides with key information that is essential further molding the idea and to develop the plan map. Too often, business spend thousands of dollars launching a new idea with a limited market because of competition. The owner is forced to evaluate his strategy and determine if there is a room for another player. Matlab market ka apan jab assessment karna matlab check karna ki hum jo product bana rahe hain market mein bikega ki nahi. That concept is known as market assessment. Conducting a market assessment helps to prepare to enter a new market. Dusra, नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो और क्या चालू कर सकते हो, नया बिजनेस. आप एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो मार्केट असेसमेंट करोगे कि नहीं? क्लियर. अब मान लो मेरे पास एक बंदा आया, बोले सर मेडिकल शॉप खोलना है, क्या मैं उसको इंदुलाल में सजेस्ट करूंगा मेडिकल शॉप खोलने के लिए? क्योंकि मेरा असेसमेंट क्या बोलता है, यहाँ पे काय की क्लास चलेगा, या तो क्लासेस से रिलेटेड, स्टेशनरी या स्टूडेंट से रिलेटेड. क्यों? क्योंकि मार्केट किस चीज का है, उसी चीज का है. दिस इज कॉल्ड मार्केट असेसमेंट. The market assessment process can be laid down into six steps. सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? Problem. उसके बाद situation को क्या करना है? Analyze. क्या होना चाहिए? Data. अब data internal के external? Internal भी और external. फिर उस data को क्या करना है? Analyze and interpret. Fostering ideas and problem. नए ideas लाना, problem को क्या करना है? और last में क्या करना है? Plan. अब एक बात बताओ, कोई भी business start करने के लिए scanning जरूरी है कि नहीं? स्कैनिंग कितने वे में हो सकती है? कौन कौन से? स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल, और कितने तरह से स्कैनिंग हो सकती है? तीन. एक्टिव, पैसिव और डायरेक्टेड. इसके बाद मार्केट के नॉलेज के लिए कौन सा असेसमेंट होता है? मार्केट असेसमेंट. क्लियर. अब मार्केट असेसमेंट के बाद देखो उन्होंने क्या बोला है, असेसमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सेम है कि फर्क है? अभी आप काय का असेसमेंट कर रहे थे, मार्केट. अब क्या सोच रहे हो, कोई नए बिजनेस के चांस है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ बिजनेस. वेन एवर बिजनेस पीपल आर सजेस्टेड अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस प्लान, दे इनवेरिएबली हैव वन ऑफ टू रिप्लाई. वी आर टू स्मॉल टू हैव अ फैंसी बिजनेस प्लान, और वी शुड, बट वी आर टू बिजी टू गो थ्रू द प्रोसेस राइट नाउ. देर आर टू बेसिक मिसकंसेप्शन फॉर बिजनेस प्लान. पहला, टू मच वर्क फॉर लिटिल और नो बेनिफिट. बिजनेस प्लान आर फॉर लार्जर और फैंसियर कंपनीज. कई लोग क्या सोचते हैं कि बिजनेस प्लान के ज्यादा बेनिफिट नहीं है. और दूसरा, प्लानिंग किसको करना चाहिए? बड़ी कंपनीज को. लेकिन बेसिक फंडा क्या है, प्लानिंग हर कंपनी के लिए जरूरी है. अब सबसे पहला वर्ड क्या बोला है, बिजनेस प्लान. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बिजनेस प्लान इज इन इट सेल्फ अ बेनिफिशियल अंडरटेकिंग. इट फैसिलिट मैनेजमेंट का फोकस काय पे, फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट. इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द प्लान दे हैव अ चांस टू स्टेप बैक एंड असेस वेयर दे आर नाउ इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस. दिस असेसमेंट कैन बी कॉज फॉर पैट्स ऑन द बैक एंड ऑनेस्टली अबाउट पास्ट एरर. बिजनेस प्लान में करते क्या है अपन, हम फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं वॉट टू डू, वेन टू डू, हाउ टू डू. इसके लिए डेटा कब कब का देखेंगे, करेंट एज वेल एज पास्ट. कोई भी ऐसा प्लान जो बिजनेस से रिलेटेड है, दैट विल बी कॉल्ड बिजनेस प्लान. अब देखो कुछ की एरियाज जो बिजनेस प्लान में जरूरी है. सबसे पहला क्या है, पढ़ चुके हो आप मैनेजमेंट में. फिर इसके बाद क्या डिसाइड करना है, फंक्शनल स्ट्रेटजीज. याद है कहां पे पढ़ा था ये, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान और मीडियम टर्म प्लान. स्ट्रेटजीज मतलब 5 साल से ज्यादा. उसके बाद 5 साल से 4 साल टैक्टिकल प्लान, और 1 साल के अंदर के ऑपरेशनल प्लान. याद आया ना, देखो कुछ पार्ट मैनेजमेंट का है. जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस प्लान बना रहे हो, तो आपको अपनी फंक्शनल स्ट्रेटजीज डिवाइड करना है. तो ये फंक्शनल स्ट्रेटजीज कितने इसमें डिवाइड हो सकती हैं? 3. 5 साल से ज्यादा स्ट्रेटेजिकल, 5 साल से 1 साल के बीच में टैक्टिकल, 1 साल से कम ऑपरेशनल. बिजनेस प्लान का ही पार्ट है ना. फिर तीसरा काय पे ध्यान देना है, कहां पढ़ा था, बजट कंट्रोल करके चैप्टर आया था ना, बजट. उसके बाद आपको क्या, कैश फ्लो. कैश फ्लो में कौन सा, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों के, खाली इनफ्लो. पहले बजट बनाना है, फिर साथ में क्या, इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो. कितने टाइप के बजट हो सकते हैं? अब सुबह से बैठे हो तो याद नहीं आएगा, 2 टाइप के, मास्टर बजट और अदर बजट्स. मास्टर बजट और अदर बजट. फिर आपको क्या करना है, रेगुलर रिव्यू ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. मतलब बिजनेस प्लान बनाते टाइम आपको किन 4 फैक्टर्स पे मेन ध्यान देना है? पहले
गोल. फिर उसके बाद फंक्शनल स्ट्रेटेजीज. फंक्शनल स्ट्रेटेजीज कितने इसमें डिवाइड है? तीन. पांच साल से ज्यादा स्ट्रेटेजी, एक साल से पांच साल टैक्टिकल, एक साल से कम ऑपरेशनल. फिर उसके बाद बजट बनाना. बजट कितने तरीके से बन सकता है? सॉरी, मास्टर बजट और अदर. फिर उसके बाद कैश फ्लो, इनफ्लो भी और आउटफ्लो. फिर अपने को क्या करना है? रेगुलर रिव्यू करना है. काय का रिव्यू करना है? अब ध्यान से सुनना, पुराना पॉइंट पूछ रहा हूं. जब इनको रिव्यू करेंगे तो आपका फ्लेक्सिबल होना अच्छा है कि बेकार? अच्छा है. क्यों? अगर अपने फेवर में नहीं आ रहा है तो अपने को क्या करना है? उसको चेंज करना है. देयर आर फोर स्किल नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल बिजनेस. सबसे पहले स्किल, इंजीनियरिंग स्किल, स्किल टू इन्वेंट, क्रिएट, इनोवेट एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट. दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग स्किल, स्किल टू डिलीवर देम कंसिस्टेंटली एंड रिलायबली. सेलिंग स्किल और बिजनेस स्किल. मतलब किसका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो सकता है? जिसके पास ये चार स्किल है. पहला स्किल कौन सा हो गया? इंजीनियरिंग स्किल. दूसरा मैन्युफैक्चरिंग स्किल. तीसरा सेलिंग स्किल. और सबसे लास्ट बिजनेस स्किल, कि आप उस चीज से क्या कर सकते हो? प्रॉफिट. देखो अब फर्क देखना. ऊपर क्या दिया है कि बिजनेस प्लान बना रहे हो तो आपको बिजनेस प्लान में क्या क्या इंक्लूड करना है. सबसे पहले क्या इंक्लूड करना है? गोल. उसके बाद क्या मालूम होना चाहिए? फंक्शनल स्ट्रेटेजीज. उसके बाद बजट प्लस कैश फ्लो प्रोजेक्शन. उसके बाद रेगुलर रिव्यू. क्लियर हुआ? फिर इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सक्सेसफुल बिजनेस कैसे होगा, कितने स्किल्स आना चाहिए. पहला इंजीनियरिंग स्किल, मैन्युफैक्चरिंग स्किल, सेलिंग स्किल और बिजनेस स्किल. बिजनेस स्किल का मेन फोकस हाउ टू अर्न प्रॉफिट. आपका एक ही बात आ रही है, बिजनेस प्लान को क्या करना? डेवलप. इधर क्या बोला है? प्लान में क्या क्या आना है. और यहां क्या बोला है? प्लान को डेवलप कैसे करना है. द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर इज एम्बॉडीड इन एंटरप्रेन्योर प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ टिपिकल मैनेजमेंट पोजीशन. एन एंटरप्रेन्योर मस्ट फाइंड, इवैल्यूएट एंड डेवलप एन अपॉर्चुनिटी बाय ओवरकमिंग द फोर्सेज दैट रेसिस्ट द क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू. कितने फैक्टर्स में डिवाइड है? चार. चलो भाई सबसे पहला देखो क्या बोला है. आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. एक वर्ड है कि तीन वर्ड? पहला क्या करना है? आइडेंटिफाई, फिर इवैल्यूएट कि फायदा है कि नहीं, किस चीज का. आप प्लान बना रहे हो ना, तो प्लान बना रहे हैं इसलिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? अपॉर्चुनिटी. एन अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान इंक्लूड्स, सबसे पहले काय का डिस्क्रिप्शन? प्रोडक्ट और सर्विस. दूसरा असेसमेंट किस चीज का? अपॉर्चुनिटी. फिर एंटरप्रेनर का असेसमेंट. फिर क्या मालूम होना चाहिए? स्पेसिफिकेशन. फिर सोर्स ऑफ कैपिटल. और लास्ट क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान. क्लियर है? ये पहला स्टेप है. सेकंड स्टेप में देखो क्या दिया है, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान. अब मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, आराम से समझना, लिख लो वहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारी चीजें इसमें. चलो पहला पॉइंट देखो क्या दिया है. अ गुड बिजनेस प्लान मस्ट बी डेवलप्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द डिफाइंड अपॉर्चुनिटी. दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस. एन एंटरप्रेन्योर यूजुअली हैज नॉट प्रिपेयर्ड अ बिजनेस प्लान बिफोर एंड डज नॉट हैव रिसोर्सेज अवेलेबल टू डू गुड जॉब. अ गुड बिजनेस प्लान इज एसेंशियल टू डेवलपिंग द अपॉर्चुनिटी एंड डिटरमाइनिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ऑब्टेनिंग दोज रिसोर्सेज एंड सक्सेसफुली मैनेजिंग द रिजल्टिंग वेंचर. अब देखो मॉड्यूल में जो चीज सबसे अच्छी चीज थी ना, उन्होंने रियलिटी बताई और एक्चुअल में लोग क्या सोचते हैं वो भी बताया है. अब पहला पॉइंट देखो क्या दिया है. कई लोगों का क्या मानना था? बिजनेस प्लान आर ओनली फॉर स्टार्टअप कंपनीज. मतलब जो पहली बार नया चालू कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए बिजनेस प्लान है. क्या ये सच है? नहीं. तो देखो रियलिटी क्या है. तुमको क्रक्स बताता जाऊं कि पूरा? क्रक्स बता रहा हूं याद करने के लिए, समझा पूरा रहा हूं. सबसे पहले किसके लिए है? डेवलपमेंट नीड टू प्रिपेयर बिजनेस प्लान आइदर फॉर प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जर्नल एक्सपेंशन, फाइनेंसिंग. मतलब कुल मिला के पुराने लोगों का क्या मानना था? बिजनेस प्लान किसके लिए फायदेमंद है? स्टार्टअप. नए लोग क्या बोल रहे हैं? बिजनेस प्लान सबके लिए और कुछ नहीं. क्लियर हुआ? पुराना समझ में आया क्या था? पहले क्या लिखा हुआ है? बिजनेस प्लान सिर्फ किसके लिए? स्टार्टअप. आज की रियलिटी क्या है? ऑल नया प्रोजेक्ट, नया मार्केटिंग कहीं पे भी यूज होगा.
सेकेंड देखो क्या है, बिजनेस प्लान शुड बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल. फिर क्या बोल रहे थे पहले लोग, लॉन्गर होना चाहिए, द बेटर चांस दैट कंपनी विल बी फाइन. रियलिटी क्या है, शॉर्ट होना चाहिए लेकिन क्या, वेल रिटर्न एंड शुड फोकस ऑन लेंडर और इन्वेस्टर्स प्रिंसिपल एरिया ऑफ कंसर्न. 50 पेज का हो जरूरी नहीं है, क्या होना चाहिए, कौन सा साइज, साथ में वेल रिटर्न. वेल रिटर्न मतलब जो लिखा है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए. बिजनेस प्लान शुड एम्फेसिस ऑन आइडिया एंड कंसेप्ट नॉट पीपल. अब रियलिटी क्या है, फाइनेंसर एंड वेंचर कैपिटल क्या बोलते हैं कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे सही लोग हैं. आइडिया सही होना जरूरी है कि लोग सही होना जरूरी है, लोग सही. जबकि पुराने लोगों का क्या मानना था, आइडिया सही होना चाहिए. नया कंसेप्ट क्या बोल रहा है बिजनेस प्लान का, लोग. क्लियर हुआ, दोनों चीजें दी है इन्होंने. पहले में देखो क्या बोला है, बिजनेस प्लान किसके लिए था स्टार्टअप, आज के हिसाब से सबके लिए. सेकंड पहले क्या था, डिटेल प्लस लॉन्गर, आज क्या बोल रहा है, कॉन्साइज वेल रिटर्न और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए. फिर पहले के लोग काय पे ध्यान देते थे, आइडिया प्लस कंसेप्ट, काय पे ध्यान नहीं देते थे, पीपल. आज लोग काय पे ध्यान दे रहे हैं, पीपल. सबसे अच्छा एग्जाम्पल विजय माल्या. अगर मान लो आज कोई नई कंपनी आई, उसमें डायरेक्टर में नाम लिखा है विजय माल्या, कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे, हाथ उठाओ. कौन, सिद्धार्थ जी, उसके पास बहुत है रे, काय का टेंशन. क्लियर हुआ, इसलिए तो इन्वेस्ट करेगा ना. समझ में आया, पहले क्या मैटर करता था, आइडिया कि लोग, आइडिया. आज की डेट में चलो इसका मीनिंग बताओ, जो एंटरप्रेनर है वही प्लान बनाता था, करेक्ट. आज की डेट में बिजनेस प्लान एक टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, दिस शुड बी डेवलप्ड बाय अ टीम ऑफ मैनेजर विद इन द कंपनी एंड देन रिव्यूड बाय क्वालिफाइड एक्सपर्ट सच एज अकाउंटेंट, अटॉर्नी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. पहले के लोगों का क्या मानना था, जिसका बिजनेस है वही प्लान बनाएगा. लेकिन आजकल लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई बिजनेस प्लान टेक्निकल चीज है, एक्सपर्ट के थ्रू बनाना चाहिए. चलो फिफ्थ, आप बताओ क्या है, ऑप्टिमिज्म शुड प्रिवेल ओवर द बिजनेस प्लान शुड डेमोन्स्ट्रेट एंथुसियाज्म ऑफ फाउंडर ऑफ द कंपनी एज वेल एज जनरेट एक्साइटमेंट इन द रीडर. हाउएवर इट शुड बी क्रेडिबल एंड एक्यूरेट. इन्वेस्टर विल वॉन्ट टू नो अबाउट कंपनीज स्ट्रेंथ एंड इट्स वीकनेस. इनफैक्ट अ रियलिस्टिक डिस्कशन ऑफ कंपनीज प्रॉब्लम अलॉन्ग विथ रेस्पॉन्सिबल प्लान फॉर डीलिंग एंड मिटिगेटिंग वेरियस रिस्क एंड चैलेंजेस विल हैव अ मच पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन. चलो क्या मतलब हुआ बताओ, पहले के मैनेजमेंट में प्लान काय पे फोकस करते थे, ऑप्टिमिज्म. लेकिन अब रियलिटी, मतलब उनको कौन सा एनालिसिस करके देना पड़ेगा, स्वॉट भी देना पड़ेगा, और अगर इंडस्ट्री है तो पोर्टर और पेस्टल. पहले वाले कैसे काय पे चलते थे, ऑप्टिमिज्म. क्या कम रहता था, रियलिज्म. आज की डेट में रियलिटी बताना है. क्लियर हुआ, तो भाई जब भी आप बिजनेस प्लान बना रहे हो, अगर अच्छा बिजनेस प्लान डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि खाली स्टार्टअप कंपनीज के लिए नहीं है, किसके लिए है, एक वर्ड में खत्म करो, ऑल. सेकंड क्या बोला है, पहले क्या होना चाहिए था, पहले बोल रहा हूं डिटेल्ड प्लस लॉन्गर, आज की डेट में शॉर्ट कंसाइज वेल रिटर्न. फिर काय पे फोकस करता था, आइडिया प्लस कंसेप्ट, आज की डेट में पीपल. आइडिया कंसेप्ट है कि नहीं, वो तो रहेगा, लेकिन मेन फोकस काय पे है, पीपल. किसको बनाना था, एंटरप्रेनर आज, एक्सपर्ट या टीम ऑफ एक्सपर्ट, टेक्निकल की नॉन टेक्निकल हो गया है, टेक्निकल. इसके बाद पहले काय पे था फोकस, व्हाट इज ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी. सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाते थे, रियलिटी दिखाते ही नहीं थे. एक आध एग्जाम्पल, एक बच्चा आया मेरे पास, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था फाउंडेशन, बोले सर रैंक लाना है कुछ बताओ. और मैंने बता दिया भैया 16-16 18-18 घंटे आ जाएगी रैंक, पॉसिबल है क्या आज की डेट में, बोल रहा हूँ नहीं ना. तो मैंने उसको क्या कर दिया, सिर्फ पॉजिटिविटी दे दी. लेकिन रियलिटी क्या है, वो दो लोग मिलके भी करेंगे तो नहीं आएगी, समझो ना. अभी कितने दिन बचे, देखो मैं क्या समझा, अदरवाइज नहीं लेना है, नहीं तो जो पढ़ने का पढ़ रहे होंगे, अरे अब कुछ नहीं हो सकता. किसके लिए बोल रहा हूं वो समझो, किसके लिए,
द रैंकर्स नहीं, ब्रेक देना पड़ेगा, जो आज बोल रहा है कि सर हमको ये करना है, मतलब पहले के बिजनेस प्लान, पहले के बिजनेस प्लान सिर्फ काय पे फोकस करते थे, पॉजिटिविटी काय से दूर थे रियलिटी, जबकि लोगों का क्या बोलना है कि बिजनेस प्लान ऑप्टिमिस्ट तो होना चाहिए लेकिन ज्यादा फोकस काय पे होना चाहिए, रियलिटी पे। फिर थर्ड आपको क्या देखना है, डिटरमाइन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, द रिसोर्सेज नीडेड फॉर एड्रेसिंग द अपॉर्चुनिटी मट ऑल्सो बी डिटरमाइंड। अब मुझे एक बात बताओ, रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा, मैन मटेरियल मनी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, आ गया ना, वही देखो हर जगह आएगा, आगे के चैप्टर में तो और है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी प्लस वैल्यू एडेड। फिर इसके बाद क्या करना है, मैनेज करना है, किसको मैनेज करना है, मेन मटेरियल मनी, जब मैनेज करोगे तो प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, रिपोर्टिंग और कंट्रोल, और एक और था बजट, और हो गए ना, बस इतने ही है, क्लियर हुआ। अब देख लो आप नीचे का, आप कुछ भी पढ़ो, अब आगे पीछे कर लेना पोस्ट कॉर्प का, इतना मेरे को भी याद नहीं है, क्लियर हुआ। अब वापस समझना, देखो क्वेश्चंस कैसे घुमाता है इंस्टीट्यूट, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, बिजनेस प्लान को कैसे डेवलप करना है, तो सबसे पहले बिजनेस प्लान को डेवलप करने के लिए क्या बोला है, आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर अपने को क्या करना है, बिजनेस प्लान डेवलप करना है। बिजनेस प्लान में पुराने में कुछ मिथ्स थे, मतलब लोग ऐसे यही सोच के बिजनेस प्लान को बनाते थे, वो उसको रखना है कि हटाना है। सबसे पहले क्या सोचना है, बिजनेस प्लान किसके लिए है, ऑल। सेकंड, काय पे फोकस करना है, सॉरी डिटेल्ड होना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए, जरूरी है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, क्या है, शॉर्ट, वेल रिटन, कंसाइज। उसके बाद आइडिया और कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि पीपल, पहले के लोग काय पे ध्यान देते थे, आइडिया और कंसेप्ट, आज पीपल। इसके बाद कौन बनाएगा, पहले के लोगों का क्या मानना था, एंटरप्रेनर, आज के हिसाब से बिजनेस प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, सॉलिसिटर्स, इनके थ्रू। उसके बाद रियलिटी लाना है कि नहीं, किसे, पॉजिटिविटी, जरूरी क्या है, रियलिटी, नहीं दोनों तो है, ज्यादा जरूरी क्या है, रियलिटी। उसके बाद क्या आएगी, पॉजिटिविटी, और नहीं समझ में आ रहा तो ब्रेक में आना और बता दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट देखो, फिर अपने को क्या डिटरमाइन करना है, रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, मैन मटेरियल मनी, क्या इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे ध्यान देना है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे ध्यान देना है, साथ में वैल्यू एडेड। फिर क्या बोला है, एंटरप्राइज को क्या करना है, मैनेज, तो भाई किस चीज के कैसे मैनेज करेंगे, मैनेज तो हम वही तीन चीजों को करेंगे, मैन मटेरियल मनी, काय पे ध्यान दें, कैसे करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग और कंट्रोल, और सबसे लास्ट क्या आएगा, बजट तो रहेगा ही रहेगा, फेसबुक नहीं, फीडबैक, याद है मैनेजमेंट के एक चैप्टर में, मैनेजमेंट के एक चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, सिस्टम ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, फिर कंट्रोल से फीडबैक जाता है वो, क्लियर। चलो 10 मिनट का ब्रेक, तो कितनी देर का चाहिए, 3:45 हो रहा है, 4 बजे।